नहीं, नसर भाई भारी आदमी है भाई, दे अरे देंगे, दे देंगे भाई, रख लो यार दे देंगे यार, दे देंगे ना। यार, बताओ अच्छा तो दोस्तों भाई समीत जो है ना पकड़ लिया नसर भाई, उससे वीडियो भर रहे हैं और बोल रहे मिठाई दो। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है वो भाई फार्म पे काफ़ी वर्किंग कुछ दिनों चल ही रही थी, और कल परसों से तो कुछ ज़्यादा तेज़ी से वर्किंग हो रही है। अभी फ़िलहाल अपडेट आप देख रहे हैं। अच्छा आज जो है वो सरप्राइज़ मिला है आप लोगों को कि दो वीडियोज़ एक साथ ही डाल दी। एक दिन असल में लेट, एक वो हो गई थी कि डिले हो गई थी, मैंने कहा भाई ये निपटा दूँ दोनों वीडियोज़, वरना यही होता है कि ना डेली की डेली नहीं आ पाती। बहरहाल वैसे तो मेरा एक शिकवा है, कुछ दिन से आप लोग वो रिस्पांस नहीं दे रहे जो आप लोग की मोहब्बत होती है। खैर आप लोग जब मुझसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं रोज़ाना वीडियोस डालूं, या कम से कम मतलब हफ्ते में 4 वीडियो 5 वीडियो तो डालूं, तो मेरी भी फिर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आप लोग भी फिर जो है ना उस हिसाब से हर वीडियो को देखें। खैर ये एक छोटा सा शिकवा था, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, होपफुली आपको मज़ा आएगा। चैनल पे कोई नया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और फार्म पे क्या मामला चल रहे हैं, क्या काम चल रहा है अभी इस टाइम पे, और 3-4 दिन से तो मुस्तकिल यही हो रहा है कि वर्किंग चल रही है चल रही है, तो अभी क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारा ये खड़ा हुआ खा रहा है सुल्तान, बाकी यहाँ पे खुरलियों का काम चल रहा है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही यहाँ पे गड्ढा हो गया, तो मैंने जिक्र किया था अपनी कुछ वीडियो पहले कि यहाँ पर इंशाल्लाह इसको ऊपर कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ये ऊपर हो रहा है। और सारा यहाँ का माल कहाँ है भाई, अभी दिखाते हैं, सिर्फ सुल्तान यहाँ खड़ा हुआ ऐसे खा रहा है, बाकी ये कुछ जानवर जो है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हम महाराजा काजू, ये अस्वद, यानी ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जो पीछे राजू वगैरह और जो आ सकते थे वो यहाँ पर आए हुए, बाकी के जानवर ना यहाँ है ना वहाँ है, तो वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इंशाल्लाह जैसे यहाँ पे जो काम हो रहा है वो इधर भी होगा, तो फ़िलहाल जो कंप्लीट हो गया था काम वहाँ पे, क्या सिलसिला मैंने दिखाया भी था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि ये देख सकते हैं भाई, तो माशाल्लाह सेटिंग में सारा काम आ गया। अभी भी माशाल्लाह से ये लोग उसको भर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। यहाँ पर का तो शेड मैंने रात का आई गेस दिखाया था, लेकिन अभी देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों शेड ये लोगों ने कंप्लीट किया था। अच्छा वीडियो जो लास्ट है वो अपलोड तो हुई, अब पता नहीं कैसा रिस्पांस आया, क्या कमेंट्स आए तो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए अभी ये है कि भाई अच्छा ये दो वीडियोज़ हो गई हैं एक साथ, तो सॉरी तो थोड़ा सा जो है ना मैं शॉर्ट ही रखूँगा अपडेट को। यहाँ देख सकते हैं ये बच्चों का जो प्लान है जैसा था वो वैसे ही करा है, और यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिग बॉयज़ खड़े हैं, बिग बॉयज़ में कुछ अपकमिंग बिग बॉयज़ भी यहाँ खड़े हैं जो आगे चल के बिग बॉय में आ जाएंगे। सिम्बा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, नायाब खड़ा है, राजा खड़ा है माशाल्लाह भाई, ब्राउन मुंडा हमारा क्या कहते हैं शपाटर, ठाकुर, फखरे करीम, बादामी, दबंग, बादशाह, और हैवीएस्ट बुल लाल बादशाह, तो यहाँ पे खड़े किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इन्होंने चारा बड़े अच्छे तरीके से ही खाया है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा बचाव है, और यहाँ पे फ़िलहाल जो बछड़ियों का असल तो वैसे बछड़ियों ने यहाँ खड़ा होना है इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल बछड़ियों को भाई इस तरफ ऐसे एडजस्ट किया हुआ है, तो ये 1 से 2 दिन की ही कहानी है, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा मामला, फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे जगह, ये और ऊपर करना है। अभी ये लोग डाल रहे हैं यहाँ पे मट्टी, मज़ीद ऊपर करनी है इस जगह को, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी ये देख सकते हैं भाई आप, पानी की खुरली तो हो गई थी कंप्लीट, और यहाँ पे मिट्टी भी डल गई है, ऊंचा भी कर दिया इसको, तो थोड़ा सा आई गेस थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, कल लगाओगे, सही है नीचे भी थोड़ी उतारेंगे, सही सही। बाकी ये देखें भाई बच्चे भी माशाल्लाह सही से खड़े होके चारा खा रहे, और अभी हम चल के देंगे भाई मुबारकबाद समीत को, किस बात की मुबारकबाद देंगे भाई, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ
सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफासा अपनी माँ के साथ खड़ा होकर चारा खा रहा है, पीछे गुलाब हो सेट है। वंडा हैवी हुआ है इसलिए इसको साइड में अलग से करा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सीन है। बाकी भाई मुबारकबाद देंगे भाई समीर को, और आप लोगों के भी कमेंट आने चाहिए भाई। ये माशाल्लाह समीर ने बाइक, ये न्यू बाइक, और समीर से चल के मिठाई लेते हैं, और आप लोगों के कमेंट आने चाहिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस के समीर को। जाहिर है एक अचीवमेंट है ये, अच्छी उसने की अपग्रेड की है बाइक उसने अपनी माशाल्लाह। तो 150 ले ली समीर ने भी फाइनली। आप लोगों को कैसी लगी न्यू एंट्री? ठीक है, बाकी खस्सी बकरों की अपडेट भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सेट है समीद वाले बकरे को भाई साहब को, कल की वीडियो में मतलब अभी जो एक वीडियो आपने पहले भी देखी है उसमें मैंने जिक्र किया था, तो इसका पेशाब रुक गया था। आज भी नसर भाई बता रहे हैं कि इसने थोड़ा सा प्रॉब्लम की है, तो इसके कुछ प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मैं देखता भी हूँ, दिखाऊँगा भी डॉक्टर को भी। बाकी ये भाई बाकी जानवर भी देख सकते हैं आप, खस्सी वाले, ये वाला नहीं हुआ लेकिन ये नहीं में घूमता है, बच्चों को तंग करता है। जहेब वाला बकरा भाई, जहेब ने कहा था दिखा दिएगा। तो अभी तो खस्सी हुए एक हफ्ता हुआ है, लास्ट मंडे को हुए थे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मज़ीद इनको अपनी जगह पे वापस आने में। बाकी अल्लाह के करम से सब यहाँ पे माशाल्लाह से सेट है। अच्छा तो दोस्तों भाई समीर जो है ना पकड़ लिया नसर भाई, उससे वीडियो भर रहे हैं और बोल रहे हैं मिठाई दो तेरा तो कर है भाई, होनी चाहिए ना नसर भाई। मिठाई होनी चाहिए, मिठाई नहीं है ये यार, ऐसे थोड़ी है। ऐसे थोड़ी होती है। गाड़ी ले ली मैंने, वो भी ले ली। ओ मान माशाल्लाह रे, तो नसर भाई को ही मान मान की पता ही नहीं भाई, बस नहीं बोल रहे नसर भाई को पता है। मेरी होती तो पमसाद मिठाई का डब्बा लेकर आता भाई, जो कंजू से पैसे तुम्हारे पास नहीं है तो हम दे दे, आप दे दो ला। नसर भाई बंडवा गरीब आदमी हूं भाई, नसर भाई बंडवा नहीं निकल रहा मैं, नसर भाई अब तुमने बोल दिया, देखो ये तुम नहीं नहीं नसर भाई भारी आदमी है भाई, दे देंगे दे देंगे भाई, रख लो यार, दे देंगे यार, दे देंगे यार। भाई क्या मिठाई कब मिल रही है यार, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं था कि आप, ये क्या बात हुई भाई, क्यों माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बाइक ली है ये भाई, ये चलो मैं कट कर दूं फिर इंशाल्लाह। ओहो ये क्या है जी, क्या चले भाई नवीन समीर से निकलवाते हैं मिठाई ना, और हमारा ये इतने दिन बाद टक टक करता हुआ दिख रहा होगा आपको। ए बच्चा क्या हुआ, गंदा हो रहा है, काफी गंदा हो रहा है मुझे पता है, प्लीज ये नहीं कहिएगा इसको साफ कराए नहाए। बहरहाल चले भाई, माशाल्लाह पानी टाइम चल रहा है, और कौन है ये, कौन है लाल बादशाह है ये, आज थोड़े से बछड़ियों की तरह है, इनको बड़े दिन बाद बछड़ियों का दीदार होने लगा है। वे चिक चिक, इसको समझ नहीं आ रही, पानी समझ नहीं आ रहा, माशाल्लाह बीस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह है, उसको देख रहा है। अनिल भाई कैसा लगा ये? हाँ वजन अभी इसका है बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसर नजरे बस वजह है इसी गर्दन का। लास्ट टाइम मैंने जब पीछे दिखाया था तो आप लोगों को याद हो, गर्दन और सलामी नहीं भैया वो चाह रहा है क्या उसकी वजह से, हैं पिलाया था पहले, चाह रहे थे पहले माशाल्लाह। चले जी ऐसे ही कर लेते हैं, बस ये बछड़ों खुल के दिखाता हूँ, ये पानी पिला रहा है, छोटे छोटे गेने लग रहे हैं इसके सामने से सारी बच्चियाँ, ये क्या खोल खोल के लाता है, ज़रा दिखाता हूँ फिर वीडियो को इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है आगे। ओहे साइड में हो जाऊँ नसर भाई, छेड़ पैसे ले ले समीर से, लारे को कह रहे ले आ भाई बादशाह, ले आ बादशाह लाल बादशाह बादशाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह सींगों की जो वो हैं कंडीशंस, अब आप लोग नोट कर रहे होंगे माशाल्लाह जानवर, मैंने आपसे कहा था बस थोड़े दिन रुक जाएं इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं भाई माशाल्लाह से, अब यही है इसमें से निकलेगा ये, लेकिन इंशाल्लाह वैसा बड़ा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। ओ भाई ये दुश्मन लगती है मुझे तो मेरी, बादशाह जानवर अब जाके इंशाल्लाह
हर चीज जब सही परफेक्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कुछ ऐसे माशाल्लाह हमारे फार्मर्स होंगे यकीनन या कोई तजुर्बेकार होंगे वो कह रहे थे बस ऐसे ही सारी चीज़ों की सेटिंग सर्दी से पहले कर लो ताकि घी जब चले तो इंशाल्लाह माल डिस्टर्ब ना रहे फिर, तो जो चीज़ भी करानी है वो पहले हो जाए। तो यही वजह है कि अभी मैं इसीलिए जल्द से जल्द जो जो चीज़ें हो रही हैं वो जल्द से जल्द की कोशिश कर रहा हूँ कि करवा लूँ। राजा को भी इसीलिए मैंने माल पे, लेकिन 15 तारीख के बाद होगा, 15 नवंबर के बाद खस्सी होना है इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या होता है। गुलाबो आइए भाई, और यहाँ से जा रहा है दबंग। माशाल्लाह दबंग अपनी फुल दबंग चाल दिखाते हुए, आवाज जरूर करनी चाहिए। पानी पी, छिक छिक है, अभी पिलाया था। हाँ तो मैंने थोड़ी कोई बोला है पानी पिलाने के, देखिए खराब कर रहा पेड़ा, इसको जमाना है। सही है ना, पिया पिया, इस जगह को ऊपर करके जमाना भी है। काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काम चल रहा है अभी तो। और चले वहाँ पे जानवरों की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, वाइट लाइन और हमारा जो है वो यहाँ पे खड़े हैं ये बच्चे भी। बाकी नूर माशाल्लाह बहुत बेहतर, बहुत इम्प्रेसिव हो गया, और इसकी सींग का वो निकल गई थी देख सकते हैं माशाल्लाह। सेहत भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है इसने, क्राउन प्रिंस भी माशाल्लाह। इम्प्रूवमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जानवरों में आई है अल्लाह के करम से, ये तो आप भी बताते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हाँ, लास्ट वीडियो में भी आज जो आपने देखी हो उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि इम्प्रूवमेंट इसमें भी बहुत आई है हमारे बिग बॉस में। इसका जो यहाँ पे खड़े करने का फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ, ये देख सकते हैं पूरे टोकरे में से इसने ये बहुत बहुत थोड़ा सा चारा है जो कि समेट के एक तरफ करा है ताकि ये खा ले, बाकी जानवरों ने तो खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी सी आज वो है, बिल्कुल यकीनन आपको दिख रही होगी घिचपिच या बहुत ज़्यादा करीब। अच्छा एक कल की या परसों की वीडियो में ये ब्लड दिखा था भाई, ये ब्लड भाई इसका था ठीक है ना, ये जब सींग बने थे ना तब इसकी एक पिचकारी निकली थी तो इसकी वजह से। बाकी ये कि भाई पार्डे का भी माशाल्लाह से जो वो है ना ज़ख्म वो भी बहुत बेहतर है। बाकी इसका फैसला अल्लाह के करम से बहुत अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है। और एक और भी कि हमाद भाई ने जो है ना इसकी एक ट्रीटमेंट की थी, 3 दिन तक वो ट्रीटमेंट चली थी, उसके बाद इसने जो अपनी वो करी है ना, हम मैंने भी कुछ चीज़ें की थी इंशाल्लाह, बस ये पूरा 100% ही जब सही हो जाएगा ना इंशाल्लाह तो मैं बताऊँगा शेयर करूँगा कि क्या क्या मामला। ये जब से खस्सी हुआ था ना इसने, मैंने आप लोग जिक्र कर रहा था कि इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, चारा वगैरह बहुत कम खा रहा था। ये यकीन जाने जितना ये भी पड़ा है ना, ये इतना सा भी नहीं खा पा रहा था, इतना इसने डिस्टर्ब कर दिया था। फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये इतना सा टोकरी में से, ये कोई अगर 5-6 से करूँ ना तो शायद ये इसकी टोकरी का, क्योंकि इसकी जो हमारी बड़ी टोकरी है ना वो फुल माशाल्लाह देते हैं हम इसको, तो वो उसमें से बस इसने ये बचाई है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क में है अभी, और अभी तो वो दलेगा, भूसा भी दलेगा, तो वो भी बड़े शौक से खाता है ये। अच्छा जी भाई रास्ता दे दोगे आप, मैं ज़रा बाकी इसकी तो माशाल्लाह इतनी लेंथ है वहाँ से लेके यहाँ तक खड़ा हो रहा है, 15 फिट है ये वहाँ से यहाँ तक का गैप, यानी ये चीज़ का ना, और ये देख सकते हैं 15 फिट है या पता नहीं 12-13 फिट तो कम से कम है, और ये खड़ा हुआ पूरा उसमें हो रहा है, 10 फिट से 10 फिट की कम से कम लेंथ होगी इसका मतलब है माशाल्लाह से। अच्छा जी अनमोल आ गया हमारा, चलो भाई हाँ, ये हमारा आ गया शान यूसुफ लदामी माशाल्लाह। एक नज़र सारे जानवर यहाँ से भी दिखा दूँ, और राख चलो चलो चुलबुल चुलबुल की माशाल्लाह ये अच्छी होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, और वॉशरूम भी सही कर रहा है माशाल्लाह, हजम हो रहा है मतलब चीज़। चलो भाई चुलबुल पे एक पॉटी लगी हुई लग रहा है, और ये चढ़ गया बादाम ये नहीं, नीचे उतरो नीचे उतरो, अरे नीचे आओ बादल, नीचे आ जा भाई बादल की माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, शाइनी। राजू
राजू आ गयो माशाल्लाह। इसने अपने तीन बछड़े, तीन या चार बछड़े थे, इन्होंने अपने इसके वो सिंगे ख़राब किए। इसमें से एक ये भी है, हमारा अस्वद है, और वो सुल्तान है। इन्होंने बहुत तंग किया है सींग के मामले में। खैर सींगे ठीक ठाक जानवर की बनाई है माशाल्लाह। काजू ओए बिस काजू माशाल्लाह भरता जा रहा है। एक महीना भी अभी तक शायद तक नहीं हुआ या नहीं हुआ, आइडिया नहीं, आप लोग बताइएगा। ओ तेरी ये डरपोक बच्चा हमारा महाराजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। महाराजा का गड्ढा तो याद होगा, कैसा बड़ा सा उजड़ा उजड़ा दिख रहा था, अभी भी है लेकिन। और ये माशाल्लाह इसने अपनी हाइट अच्छी करी है बहुत। आगे हो महाराजा, इसे थोड़ा सा छोटा है कदम पीछे से ये अभी। बबली साथ इंशाल्लाह ये आज भराई भराई कंप्लीट है या नहीं आज नहीं लगे। ये माशाल्लाह लेकिन आपने बड़ा अच्छे दिल्ली कल ये कंप्लीट है, लेकिन परसों से हम इसको यूज़ कर सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खूंटे आप देख सकते हैं अब ऊपर होगा तो जी आगे भराई हो जाती है। अच्छा 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 कोई मसला नहीं, ये यहाँ थी भाई, खूंटे जो है ना यहाँ थे और आप यकीन जाने यहाँ बहुत, हाँ 16 इंच ऊपर हुआ है। तो होपफुली हमारा जो ये चीज़ का मसला है ना, जो जानवर ऊपर चढ़ रहे हैं और जानवरों के नीचे होना बड़ा, बड़े जानवर ख़ास तौर पे, वो अब ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, इजी हो जाएगा। तो ये सीन है ये। हाँ भाई अस्वद, अस्वद का मैं बोल रहा था ना, जिसने सबसे ज़्यादा अपना खराबा किया है, ये ऐसा ना पैर मार मार के इसने जो है ना ये अपना ऐसा किया है। खैर कोशिश हमने अपने तौर पर फिर की है भाई इसको डबल लस्सी करके, तो ये ऐसे सीन चल रहा है इसका। हो जाएगा यार, हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। सुल्तान दिखाता हूँ। हाँ भाई इसने चारा खा लिया, वंडा इसको भूसा भी डाल लिया। बहुत माशाल्लाह स्पीड है इसकी, बड़े बछड़ों में सबसे अच्छी स्पीड इसकी है चारा खाने की माशाल्लाह। और भाई मिट्टी का मैंने रात में दिखाई थी, तो ये मिट्टी यहाँ रखी है। मैंने जिक्र भी किया था कि डबल ट्रिपल बल्कि जो एक होता है ना ट्रक, वो भालू मिट्टी का मंगवाया था। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी यूज़ हुई है जो कि उधर यूज़ हुई है, फिर इंशाल्लाह ये बन जाए तो इंशाल्लाह। वहाँ से नीचे से सफाई भी करा दी है मैंने, और ये कि जो गंदा जो नीचे का वो काम था वो निकाल दिया है, मिट्टी गोबर टाइप जो हो जाती है ना कीचड़ टाइप, फिर ये इंशाल्लाह भालू मिट्टी बदलेगी और फिर इंशाल्लाह ये यूज़ होना शुरू हो जाएगा। चले जी इजाज़त है, बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।